हरि ओम। योगा इज गिफ्ट दैट यू कैन गिव योर सेल्फ। वेलकम बैक टू 21 डे योगा चैलेंज। आज है हमारा 10वां दिन, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग से। अब हम मुड़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। आज से हम रोज़ 12 सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 8 आसनों का समावेश होता है। इससे हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल और स्ट्रेच होती है, इसलिए सूर्य नमस्कार हमारी एक्सरसाइज में होना आवश्यक है। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, होल्ड करिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अब हम उठते हमारी पहली आसन की ओर, जिसका नाम है नटराज आसन। नट मतलब नाचना और राज मतलब राजा। सबसे पहले हम सीधा खड़े रहेंगे। अब हम लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, या तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, अपने अंगूठों को। जितना हम पैर ऊपर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। हाथ सीधा रखेंगे। आसन छोड़ते हुए हमें आसन धीरे से छोड़ना है। इस आसन से हमारा वजन कम करने में मदद होती है। बैलेंस करने में ये आसन सबसे अच्छा आसन माना जाता है। इससे हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन और फोकसिंग पावर भी बढ़ जाता है। जिनको भी कमर दर्द, पीठ दर्द या कुछ इंजुरी है, वो ये आसन ट्राई ना करें। एक और बार करेंगे हम, टोटल 3 टाइम्स करेंगे नटराज आसन। इसके बाद हम उठते हमारी अगली आसन की ओर, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन यानी हवा और मुक्त यानी छोड़ना। सबसे पहले हम लेट जाएंगे। अब पैरों को हम 90 डिग्री दिशा में ऊपर कर लेंगे। हमारी फिंगर को और पैर को फोल्ड कर लेंगे। फिंगर को हम
इंटरलॉक कर देंगे और सांस छोड़ते हुए हमें अपनी चिन या अपने सर को अपने घुटने पर लगाना है। यह आसन आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन के प्रमुख फायदे, जो हमारे लंग्स है वो हेल्दी रहते, जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा गैस है वो बाहर निकालने में इस आसन का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह आसन हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी को ये स्ट्रेच कर देता है। इस आसन के बाद हम शवासन यानी रिलैक्स करेंगे। हम 5 मिनट तक रिलैक्स रहेंगे, उसके बाद हम उठकर हमारी नई ब्रीदिंग टेक्निक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा और राइट हैंड की विष्णु मुद्रा कर लेंगे। लेफ्ट नोज से सांस लेंगे और राइट नोज से छोड़ देंगे, और फिर सांस लेंगे हम राइट नोज से और लेफ्ट नोज से छोड़ देंगे। सांस लेते हुए हमें 1 2 3 4, और सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6। अनुलोम विलोम करने के लाभ है, हमारा स्ट्रेस पूरा रिलीफ हो जाता है, हमें मन को शांति मिलती है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी अनुलोम विलोम करने से बढ़ती है। आप 5 मिनट हर रोज़ अनुलोम विलोम करना ना भूलिए। अब हम ओम चैंट करेंगे। सबसे पहले सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए ओम। ऐसा हम 3 बार कहेंगे। अब हम उठते हैं मेडिटेशन की ओर। मेडिटेशन करते हुए ध्यान रखें, हमारा पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर होना आवश्यक है। हमें कौन सी भी दूसरी आवाज़ नहीं सुननी है, सिर्फ अपने इनहेल और एक्सहेल पर हमें ध्यान देना है। आप ध्यान दिन में 2 बार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।